और उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई है। अभिभाषण शुरू होते ही विपक्षी विधायकों ने सदन में जोरदार हंगामा शुरू कर दिया, जहां एक और विपक्ष ने सदन में सरकार के खिलाफ में जमकर नारेबाजी की, तो वहीं दूसरी तरफ सदन के बाहर सड़क पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन किया, जिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि आज जिन जिन राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर है, वहां पर अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आइए सुनवाते हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश जोशी ने आगे और को क्या कुछ कहा है। अब पति पत्नी देखिए, हमने एक साल हमारी सरकार को 23 मार्च को होगा, इस एक वर्ष के अंतर हमने कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिन महत्वपूर्ण फैसलों को महामहिम ने जो है कि आज सदन के सामने रखा। और जब से ये सरकार बनी है, इस सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने दो तीन फील्ड जो है उनमें जो है कि एक तरह से बहुत ज़्यादा फोकस किया है। जैसे हम चाहते हैं कि हर स्तर पर युवाओं को रोज़गार मिले, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे वो प्राइवेट फैक्ट्रीज में हो, चाहे सरकारी हो, वो तीनों में मैं आज कम से कम इस अभिभाषण के माध्यम से, और वैसे भी मैं ये कह सकता हूँ कि एक वर्ष के अंदर की बड़ी उपलब्धि है, जहाँ 22 वर्षों से इस प्रदेश के अंदर एक अराजकता भर्तियों को लेकर के होती थी, हर बार जो है धांधली गड़बड़ी आती थी, तो हमने जो नकल विरोधी कानून हम लोग लाए हैं उससे पूरे युवाओं पे भी एक आज ये मैसेज जा रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की पुष्कर धामी जी की सरकार अब कम से कम उत्तराखंड में नकल नहीं होने देगी।